नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई है, इस सूचना की हम पुष्टि आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जोर शोर से आपका जो मामला वर्दी को लेकर चल रहा था, कई बार आपको अबइज्जत तक किया जाता है कि भाई चौकीदार वर्दी नहीं पहनेगा ये वो, तो ये कहीं ना कहीं मांग आपकी पूरी होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये ऊपर बोल दिया गया है कि चौकीदार धोती की जगह अब पैंट में होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी जो सुख सुविधाएं हैं चौकीदार को लेकर के, उनके लिए मुख्य अपर सचिव जो हैं उनको बोला गया है, और अभी मऊ जिले से ये लेटर पहुंचा है लखनऊ के लिए, मुख्यालय के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन मांगों को पूरा किया जाना, मुझे लगता है कि 100% सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पर ग्राम प्रहरी वर्दी में रहना चाहता गांव का जो चौकीदार है, तो उसके पक्ष में ये फैसला आते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी वेतन मान को लेकर के नहीं लिखा है। ये थोड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अधिकारी लोग काम तो कर रहे हैं पर वेतन से क्या एलर्जी है मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना ज़रूर है मैंने कल वीडियो जारी किया था, उसमें भी कुछ ऐसे लोग जो आकर के कमेंटबाजी करते हैं और वो ये कहते हैं कि अन्नू भाई ने झूठ बोला, अन्नू भाई ने झूठ बोला। मतलब जो झूठे मक्कार बैठे हैं आपके विभाग में उनसे आप लोग सवाल जवाब नहीं करोगे। मैं अगर अच्छा भी बोलूँ तो मैं झूठा, मैं बुरा भी बोलूँ तो झूठा। कहीं ना कहीं आप जैसे लोग ही हमें कहीं ना कहीं झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हैं, और मुझे लगता है मुझे भी उसी झूठ के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ईमानदारी हमने कर ली, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन उसका रिजल्ट आप जैसे चंद लोगों की वजह से दूसरों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। आपको कड़वा सत्य बता रहा हूँ, लेकिन मित्रों मैं देखता हूँ कि लोगों को धैर्य नहीं है, बिल्कुल धैर्य नहीं है। मतलब अगर उनको कोई भी खबर पता चल गई तो फिर उनको ये लगता है कि बस तुरंत कार्य हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है यार। सालों साल से आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं आपके बीच में कितना हुआ, तो 3 साल हुआ आए हुए, फिर भी जिस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ, हिसाब से कितना एक्टिविटी लाया हूँ आपके विभाग में, पता है आपको, ये अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन बात वही है ना कि अन्नू अगर अच्छा बोले तो गलत बोलोगे, गलत बोलूँ तो वही गलत बोलोगे। ये सिलसिला थोड़ा सा आप लोग बंद करें, और लोग जोर जोर शोर से जो तैयारियाँ कर रहे हैं धरने को लेकर के, कई भाई हमारे फ़ोन हमको कर रहे हैं कि अन्नू भैया हमें फला जगह पर बुलाया जा रहा, क्या करें क्या ना करें। भाई देखो, फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो, अगर आपको लगता है कि उनके धरने से आपको सफलता मिल सकती है तो आप जाओ, नहीं तो अगर समझ में आ रहा है तो फर्जी में टाइम पास मत करो, क्योंकि टाइम पास करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि धरना तभी सफल होगा जब 5,000 से ऊपर की संख्या होगी, और धरना को धरना के तरीके से किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ जा करके टाइम पास करने लगे और वहाँ जा करके उल्टा सीधा कार्य करने लगे, तो ऐसे नहीं होता मेरे भाई। मैं तो देखता हूँ कि कई बार धरना होता है, टाइम पास कराया जाता है, वहाँ पद वितरण होने लगते हैं तुरंत। तो अगर ये सब अगर आपको लग रहा है होने वाला है, तो ऐसे धरनों को मैं कभी नहीं मानता। धरना वही है जैसे दिल्ली में किया गया, तो उसी तरह अगर धरना विशाल किया जाता और एक जगह सिर्फ चौकीदारों को लेकर ही मांगे रखी जाती हैं, तो मुझे लगता है वो धरना सही है, और संख्या भी कम से कम 5,000 प्लस होनी चाहिए। अगर आप लोगों से कोई कहता तो आप उनसे ये कह सकते हो कि भाई संख्या अगर 5,000 नहीं हुई तो, अगर 5,000 संख्या होगी तो आप लोग धरना दीजिए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। और अगर संख्या कम दिखती है तो आप अच्छा इसी में कि अगर आप आ जाते हो तो तुरंत वहां से निकल लेना, नहीं तो फर्जी में पेचिटी करा के आओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 100, 200, 500 लेकर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर इको गार्डन में चलिए, मैं आपको दिखा दूं जाने कितने मुद्दे चल रहे हैं इस समय। मैं चाहूं तो मैं भी वहां जाकर रिपोर्टिंग कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं जा, मुझे पता है कि सब टाइम पास कर रहे हैं बैठे बैठे, तो टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं। मैं वहां काम करता हूं जहां मुझे लगता है उम्मीद और भरोसा है। तो आप लोगों को भी मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि वहां से जीत हो सकती है तो आप जा सकते हो, नहीं लगता तो नहीं जा सकते। मेरा उद्देश्य यही है कि आप हमें वीडियो बना के भेजोगे तो मैं आपके वीडियो चला सकता हूं, बस इतना ही कर सकता हूं, लेकिन मैं वहां पर किसी भी तरह से नेतृत्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर कोई कार्य करूंगा तो बड़े स्तर पर करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहता हूं, ना आपके साथ छल करना चाहता हूं, सो की सीधी बात। और दूसरी खबर भी हम बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं, उसमें बताएंगे कि सरकार के वो आखिर कौन से अहम फैसले हैं जिससे हो सकता है कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जो कि लिखित रूप में भी आ चुका है।
उसकी भी खबर हम आप तक आज की ही डेट में जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप लोग कमेंट नहीं करते कमेंट किया करो भाई, अपनी सलाह और राय दिया करो, तो हमें भी लगे कि हाँ कम से कम आप लोग एक्टिव हैं। जय हिंद, जय भारत।